आज हम स्टार्ट करेंगे इक्विलिब्रियम। सबसे पहली बात ये समझ लेते हैं इक्विलिब्रियम होता क्या, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो पहले सबसे पहली बात समझते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। ऐसी स्टेट जब अमाउंट रिएक्टेंट का अमाउंट और प्रोडक्ट का अमाउंट कॉन्स्टेंट हो जाता है, मतलब उसके अमाउंट में कोई चेंज नहीं होता, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट में कोई चेंज नहीं होता, मीन्स उनके कंसेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होता, तो उस स्टेट को इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो अमाउंट रहेगा, कंसेंट्रेशन रहेगी, वो क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। तो इस वाले केस में हम उस स्टेट को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम बोलेंगे। यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन कॉन्स्टेंट हो जाता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यहाँ पर बराबर हो जाता है। देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन कॉन्स्टेंट हो जाता है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बराबर हो जाएगा, बराबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है किस टाइप का इक्विलिब्रियम है, किस टाइप की रिएक्शन है हमारे पास। तो यहाँ पर इसमें एक पॉइंट और है, यहाँ पर क्या है, जैसे हमारे पास ए प्लस बी यहाँ से बन रहा है सी प्लस बी, जैसे ये ए प्लस बी ये वाली रिएक्शन, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने वाली रिएक्शन को बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, इक्विलिब्रियम का साइन लगा लो उसमें, ठीक है। और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने वाली रिएक्शन को बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ बैक फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाती है, मतलब जितनी स्पीड से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है उतनी ही स्पीड से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने लग जाता है, इस टाइप की इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम पे एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग में रिएक्टेंट बहुत ज्यादा होगा इसलिए रिएक्शन फास्ट होगी, और थोड़ी देर बाद जैसे रिएक्टेंट कम होना शुरू हो जाएगा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, तो रिएक्टेंट की रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हम यहाँ से एक पॉइंट बोल सकते हैं कि कंसेंट्रेशन हमारे पास रिएक्टेंट स्टार्टिंग में मैक्सिमम था, तो हम यहाँ से बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे लिखो कंसेंट्रेशन और यहाँ लिखो टाइम के साथ। तो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट मैक्सिमम था, रिएक्टेंट का क्या हुआ, कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, ये हो गया हमारे पास रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन। और प्रोडक्ट बन रहा है, पहले रिएक्टेंट था हमारे पास, जैसे ये है हमारे पास रिएक्टेंट है यहाँ से प्रोडक्ट है, तो पहले हमारे पास रिएक्टेंट था 100%, ठीक है ना, और प्रोडक्ट था हमारे पास 0। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, ये कम हो गया, ये हो गया 70, और जितना ये कम हुआ ये गया हमारे पास 30, मतलब 100-70 का जो बचा वहाँ चला गया। ऐसे होते होते धीरे धीरे क्या होगा, रिएक्टेंट कम हो रहा है, तो मतलब रिएक्टेंट डिक्रीज होगा और प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन में इंक्रीज होता जाएगा। तो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है इसलिए ग्राफ जाएगा ऐसे, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन में इंक्रीज होगा इसलिए ग्राफ जाएगा ऐसे, ये हो गया हमारे पास प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन। एक तो ये वाला ग्राफ ठीक है, इसका थोड़ा सा ऐसे समझने के लिए रख सकते हो उसे। और एक हमारे पास ये टाइम रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन के साथ देखो ये हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन, ये हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट, क्योंकि रिएक्टेंट इनिशियली मैक्सिमम था उसके बाद कम होने लगा, तो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट हम क्या होगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन, क्योंकि फिर तो प्रोडक्ट बनने लगा, एक टाइम ऐसा आएगा प्रोडक्ट बन गया, तो यहाँ पर बैकवर्ड रिएक्शन की रेट इंक्रीज होगी। तो हम ऐसे रेट ऑफ रिएक्शन के साथ ग्राफ दिखाएंगे तो ऐसे ये हमारे पास, ठीक है ना। तो ये हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये वाला इंडिकेट कर रहा है, मतलब हमारे पास यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, तो बैकवर्ड रिएक्शन की रेट इंक्रीज हो रही है, क्योंकि प्रोडक्ट बन गया है तो बैकवर्ड रिएक्शन की रेट इंक्रीज हो रही है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और एक टाइम के बाद दोनों की रेट बराबर हो जाएगी, और उस स्टेट को बोलते हैं, मैंने बोला रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर, मतलब वो स्टेट है हमारे पास इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। देखो मैंने क्या बोला है कि स्टार्टिंग में ही मैक्सिमम था, ठीक है, तो हमारे पास फिर धीरे धीरे ये बनने लगा, तो एक शुरू में क्या होगा, इसकी कंसेंट्रेशन हमेशा डिक्रीज हो रही, तो इसकी रेट भी डिक्रीज होगी, क्योंकि हमारे पास ये लॉ ऑफ मास एक्शन आएगा अभी, तो वहां पर लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो जैसे रिएक्टेंट अगर हमारे पास मैंने ये मान रखा आर है, तो ये आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो जब कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगी धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसका कंसेंट्रेशन डिक्रीज होता जा रहा है, अगर इसका कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगा तो रेट भी तो डिक्रीज होगा, तो हमारे पास रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज होगी टाइम के साथ। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ग्राफ डिक्रीजिंग दिखाया, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, क्योंकि प्रोडक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा, तो अगर हम बैकवर्ड देखें, मतलब बैकवर्ड के साइड अगर मैं इधर से यहाँ लाऊं, तो इसका मतलब ये मेरा रिएक्टर का काम करेगा, तो अगर ये इंक्रीज हो रहा तो रेट भी तो इंक्रीज होगी, क्योंकि हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टर। अगर हम बैकवर्ड की बात करें तो फिलहाल प्रोडक्ट ही रिएक्टर की तरह काम करेगा, तो ये हमारे पास ये क्या हुआ, इंक्रीजिंग कर दिखाया हमने यहाँ से, और एक स्टेट पर आने के दोनों की रेट बराबर हो जाएगी, उस स्टेट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। ये बहुत बेसिक सी बात थी, नोट करना तो करो इसे। अब स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, ये मैंने वैसे बता ही दिया तुम्हें, इसका स्टेटमेंट लिखना है तो लिख लो। देखो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. मतलब जो हमारे पास अगर ये रिएक्शन है, एक सिंपल रिएक्शन लिखते पहले ए प्लस बी और यहाँ से हमारे पास बना सी प्लस डी, तो ये क्या होगा हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन. तो फिलहाल मैं फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करूँ तो फिलहाल मेरे पास रिएक्टेंट क्या है ए और बी, तो ए बी मतलब तुम इसे ऐसे बोल सकते हैं रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन दोनों का मल्टीप्लाई होना टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ये हो गया. अच्छा अगर हमारे पास इक्वेशन इस टाइप की हो, रिएक्शन इस टाइप की हो, सी प्लस डी डी, इसका मतलब है कि कॉफिशियंट पे लग रहा है. ये क्या है इसके कॉफिशियंट, जैसे बैलेंसिंग करते हैं तो बैलेंसिंग में 1 2 3 जो भी आता है वो ऐसे वो वाला नंबर है, ये कॉफिशियंट कॉफिशियंट जो बैलेंसिंग में नंबर आता है. जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ एन टू प्लस एच टू और यहाँ से हमारे पास बन गया एन एच थ्री, तो जैसे मैं बैलेंस करूंगी यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 आएगा, तो ये जैसे ये बी लिखा हुआ मतलब ये 3 है, इसके सामने कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये ए लिखा हुआ इस टाइप से. तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, लॉ ऑफ मास रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये हमारे पास रिएक्टेंट है ए और जो भी इसके सामने होगा वो जाता है पावर में, तो ए ये जगह बी और जो भी इसके सामने क्या है बी नंबर है तो ये जगह बी पावर. ये होगा हमारे पास लॉ ऑफ मास रिएक्शन, ये मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर ही दिया था. अब देखो हम इसमें ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं, एक रिएक्शन कंसिडर करते हैं ये वाला लॉ यूज करते हैं और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं कंसंट्रेशन में, कंसंट्रेशन का सिंबल होता है ये कैपिटल ब्रैकेट में कंसंट्रेशन का सिंबल होता है, ठीक है. तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखो इक्विलिब्रियम रिएक्शन ऐसी माना ए ए प्लस बी बी और ये हमारे पास सी सी प्लस डी डी, ये हो गया रिएक्शन. एक बार लिखेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन, हमें इसे फॉरवर्ड बनानी है रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन का केस लिखते हैं जरा, फॉरवर्ड रिएक्शन थोड़ा ये जगह ए ए प्लस फर्स्ट क्लास है तो मैं बिल्कुल बेसिक से करा रही हूँ, ये जगह हमारे पास सी सी प्लस डी डी, ये हो गया ठीक है. फॉरवर्ड रिएक्शन है, मैंने इसे ऐसे बनाया मतलब फॉरवर्ड इससे ये बन रहा हो, बैकवर्ड इससे ये बनेगा तो उसे उल्टा लिखेंगे. देखो कैसे होगा, लॉ ऑफ मास रिएक्शन का अकॉर्डिंग रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है ना, फॉरवर्ड की बात करें तो फॉरवर्ड रिएक्शन कितना होगा हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन, कितना है ए और इसकी पावर कितनी है स्मॉल है, ठीक है ना, ये हमारे पास है बी इसकी पावर कितनी है स्मॉल बी, ये हो गया. अभी फॉरवर्ड रिएक्शन तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है कॉन्स्टेंट आएगा, तो इसे बोलेंगे हम के एफ, फॉरवर्ड के लिए बोलो के एफ, क्योंकि हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो इस जगह ए की पावर ए बी की पावर बी, ये हो गया. इसे बोलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. अब बैकवर्ड रिएक्शन के लिए लिखते हैं, बैकवर्ड के लिए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है ना, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन देखो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. अच्छा पहले बैकवर्ड रिएक्शन लिखो, बैकवर्ड रिएक्शन हमारे पास बैकवर्ड होता है इससे ये, तो इसका मतलब ये यहाँ लिखा जाएगा सी सी प्लस डी डी और एरो करके ए ए और प्लस बी बी, ये हो गया. तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, अब बैकवर्ड के हिसाब से तो रिएक्टेंट ये है सी और डी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सी इसके कोएफिशिएंट में क्या है स्मॉल से, तो स्मॉल से पावर में, तो डी इसके कोएफिशिएंट क्या है स्मॉल डी, ठीक है ना. प्रोपोर्शनलिटी साइन में कांस्टेंट रहेगा, इसे बोलते हैं के भी, क्योंकि बैकवर्ड का केस चला इसलिए हमने के भी बोल दिया. बाकी ये तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन से, ये जो हमारे पास सी की पावर सी और डी की पावर डी, ये हो गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्योंकि हमें पता है इक्विलिब्रियम पे क्या होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर है, तो इक्विलिब्रियम पे इन दोनों को बराबर रख देंगे. एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल है हमारे पास रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन फॉरवर्ड क्या हमारे पास के एफ ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी इक्वल हो जाएगा हमारे पास के बी सी टू द पावर सी और जो है डी टू द पावर डी. यहां से क्या करना है के एफ ऐसे रहने दो और ये अपॉन में लिया के बी इक्वल हो जाएगा हमारे पास सी टू द पावर सी डी टू द पावर डी अपॉन हो जाएगा ए और ये जगह हमारे पास ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी, ठीक है. के एफ अपॉन के बी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कॉन्स्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, के एफ मतलब रेट कॉन्स्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन की, तो रेट कॉन्स्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट कॉन्स्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन की रेशियो को बोलते हैं के इक्विलिब्रियम, के इक्विलिब्रियम. और क्योंकि कंसंट्रेशन के टर्म में है इसलिए हम इसे के सी भी बोल देते हैं,
सी टू दी पावर सी हो जाएगा डी टू दी पावर डी और अपॉन हो जाएगा ए टू दी पावर ए और हो जाएगा बी टू दी पावर बी। तो ये बन गया हमारे पास, मतलब हम यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो भी प्रोडक्ट की साइड होगा ना वो उसका कंसंट्रेशन आएगा ऊपर और जो भी रिएक्टेंट की साइड होगा उसका कंसंट्रेशन आएगा नीचे। ये हमारे पास की इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला बन गया। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं, नोट कर लो, इसके बाद करते हैं एक केसी और केसी में रिलेशन वाला टॉपिक है। पर उससे पहले एक चीज और बता दूं मुझे, अगर हमारे पास जैसे ये केसी है, मैंने बोला कंसंट्रेशन की टर्म है, तो इसे हम लिख देंगे केसी इक्वल हो जाएगा सी टू दी पावर सी डी टू दी पावर डी अपॉन हो जाएगा ए टू दी पावर ए और हो जाएगा बी टू दी पावर बी। ये अगर केसी की टर्म में लिख दिया हमने, बोला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ केसी वो इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, ये हो गया। अब देखो गैसेस स्टेट की बात करते हैं, अगर हमारे पास जैसे ये इक्वेशन थी ए ए प्लस बी बी, ये अगर हमारे पास गैसेस स्टेट में सब कुछ गैस में है, ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास सब गैसेस स्टेट में, तो गैसेस स्टेट में हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, उसे बोलते हैं केपी, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को केपी बोलते हैं, फिर केपी इक्वल सेम जाएगा प्रोडक्ट का ऊपर ही जाएगा। तो यहाँ पर गैस है तो गैस का क्या होता है, गैस का कंसंट्रेशन नहीं होता, गैस का पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में लेते हैं उसे, ठीक है। तो ये जगह हमारे पास P, C और जो भी इसके सामने है स्मॉल C है तो स्मॉल C पावर में ऐसी P, T और ये जगह हमारे पास स्मॉल D। अभी थोड़ी बोरियत आ रही होगी लेकिन इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसी इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस होते हैं न्यूमेरिकल सारे, ठीक है। तो ये जगह हमारे पास पी ए, ये जगह ए और ये जगह पी बी और जगह बी, ठीक है, ये हो गया हमारे पास के। ऐसे ही अगर मैं इसे एक्टिविटी के टर्म में ले लूँ, देखो एक्टिविटी थर्मो का टॉपिक है तो वो बाद में पढ़ेगा, अभी वैसे एक्टिविटी की टर्म ले तो के ए बोल देंगे और ये हमारे पास सी तो इस वाले की एक्टिविटी और जो भी इसके सामने हो पावर में ऐसी ए डी और इसकी स्मॉल डी अपॉन ए ए और पावर जो भी सामने है वो पावर में ए, ऐसे हो जाएगा हमारे पास ए बी और जो भी सामने है वो पावर में, ऐसी एक्टिविटी की टर्म हो गया। ऐसी मोल फ्रैक्शन की टर्म में होती है, हो गया हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी, इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी, ये हो गया। ऐसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन भी ले सकते हैं, पार्शियल प्रेशर तो हो गया वाला, ठीक है ना। तो मोल फ्रैक्शन लेंगे, मोल फ्रैक्शन को एक्स से डिनोट करते हैं, सॉल्यूशन पढ़ेंगे तब, ठीक है ना। की एक्स इक्वल यू जगह हमारे पास एक्स ऊपर वाला जो भी प्रोडक्ट के साइड है उसके ऊपर एक्स सी की पावर स्मॉल सी, ऐसे एक्स डी की पावर स्मॉल डी अपॉन एक्स ए की पावर स्मॉल ए और ये जगह हमारे पास एक्स बी की पावर स्मॉल बी, बस ऐसा हो गया। अच्छा एक और बात, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है लेकिन इसकी यूनिट ये यूनिट लेस नहीं होता, ठीक है ना, इसकी यूनिट होती है और यूनिट कांस्टेंट भी नहीं होती, डिपेंड करती है रिएक्शन किस टाइप की है। देखो इसमें तो यूनिट ही नहीं होगी पहली बात, क्योंकि एक्टिविटी खुद यूनिट लेस रहता है, तो ये कुछ कैसे भी रिएक्शन हो ये तो हमेशा इसलिए ये तो हमेशा यूनिट लेस ही रहना है, यूनिट लेस, ठीक है। ऐसे मोल फ्रैक्शन की भी कोई यूनिट नहीं होती तो ये भी हमेशा यूनिट लेस ही रहना है, लेकिन केसी और केपी की यूनिट डिपेंड करती है रिएक्शन पर, रिएक्शन के स्टार्ट की चेंज होगी उस हिसाब से, नोट करो। चलो एक एग्जांपल लेकर बताती हूँ यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं केसी की, ठीक है। ये ले लो सिंपल सा एन टू प्लस थ्री एच टू और ये हो गया हमारे पास एन एच थ्री टू एन एच थ्री। अभी फिलहाल मैं इसे कंसंट्रेशन के टर्म में लेके दिखा रही हूँ, ठीक है। जैसे हमारे पास हो गया मैं बोलूँ कंसंट्रेशन केसी की कर रहे ना, तो जैसे हमारे पास कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है कंसंट्रेशन की वो जनरल यूनिट ही होती है मोल लीटर इनवर्स, अब तुम उसे डेसीमीटर क्यूबिक वाला वो कर सकते हो पर जनरली होती है मोल लीटर इनवर्स, इसी से सीख लो हो जाएगा। केसी इक्वल कितना होगा लिखना है तो प्रोडक्ट वाली साइड का ऊपर तो ये जगह हमारे पास एन एच थ्री और जो भी सामने है वो जाएगा पावर में अपॉन हो जाएगा एन टू, ठीक है, और जो भी सामने है इसके वो जाएगा पावर में, ठीक है। वन है तो कुछ भी नहीं है, मतलब वन है तो लिखो भी मत चाहे तो वन, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारे पास एच टू और जो भी सामने है वो पावर में। अगर कंसंट्रेशन एन एच थ्री का हो एन टू का या एच टू का हो यूनिट तो मोल लीटर इनवर्स ही रहनी है, तो यहाँ पर रख दो मोल लीटर इनवर्स और स्क्वायर कर दो अपॉन हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स और हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स और क्यूब, ठीक है। दो पावर से दो पावर कटी, ठीक है, एक बचा यहाँ पर। अब जगह वन अपॉन मोल लीटर इनवर्स, इसकी पावर भी वन है इसकी पावर वन है, बेस सेम पावर है, मतलब पावर कितनी होगी टू, स्क्वायर करो कितना आएगा वन अपॉन मोल स्क्वायर और जगह लीटर माइनस टू, ठीक है, ऊपर आएगा कितना आएगा मोल स्क्वायर इनवर्स और जगह लीटर स्क्वायर। तो ये यहाँ पर केसी की यूनिट इस वाले रिएक्शन के लिए इतनी आ रही, अगर हम किसी और रिएक्शन के लिए कैलकुलेट करें तो हो सकता है अलग आए,
ठीक है, पर यूनिट वो क्या बोलते हैं, यूनिटलेस नहीं रहता, कांस्टेंट है बट यूनिटलेस नहीं रहता, एक्टिविटी वाला यूनिटलेस रहेगा और क्या कौन सा वो मोल फ्रैक्शन वाला यूनिटलेस रहेगा। अब करते हैं रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, रिएक्शन मानो वही ए ए प्लस बी बी और यहाँ से हो जाएगा सी सी प्लस डी डी। डेरिवेशन में कोई नीड नहीं है वैसे, पर देख लो थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखो, वैसे नुमाइंड तो सॉल्व हो जाते हैं। तो ये जो हमारे पास केसी अगर हम लिखे, हमें पता है प्रोडक्ट वाला जाएगा ऊपर, सी टू दी पावर सी डी टू दी पावर स्मॉल डी, अपॉन हो जाएगा ए टू दी पावर स्मॉल ए और अपॉन हो जाएगा बी टू दी पावर स्मॉल बी, ये हो गया। अब अगर मैं इसके लिए केपी लिखूं तो केपी कितना लिखा जाएगा, प्रेशर के टर्म में होता है, तो ये जो हमारे पास पी सी टू दी पावर सी और ये जगह पी डी टू दी पावर डी और अपॉन हो जाएगा पी ए टू दी पावर ए और अपॉन हो जाएगा पी बी टू दी पावर बी, ये आ गया हमारे पास। अब देखो मुझे ना इसके साथ इसका रिलेशन दिखाना है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसमें। हमारे पास एक इक्वेशन होती थी पी वी इक्वल एन आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन है, ठीक है। तो ये पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम, एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, आर मतलब लिक्विड कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट बोलते हैं, टी मतलब टेम्परेचर, ठीक है। तो जगह पी इक्वल हो गया हमारे पास एन अपॉन वी आर टी, ये आइडियल गैस इक्वेशन, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है कंसंट्रेशन, तो ये जगह पी इक्वल कंसंट्रेशन इंटू आर टी। अब वही काम करते हैं, जैसे ए का केस कर रहे तो ये जैसे हम सी का केस कर रहे, तो पी सी इक्वल कितना हो जाएगा हमारे पास सी का कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन को हम डिनोट करते हैं ऐसे, तो ये जगह आर टी। ऐसे ही डी का केस कर रहे तो ये जगह कंसंट्रेशन डी का और ये जगह आर टी अपॉन हो जाएगी, ये जगह हमारे पास ए का केस करेगी तो ए का कंसंट्रेशन और ये हो जाएगा आर टी, ठीक है ना। ऐसे बी वाले में हो जाएगा पी बी इक्वल हो जाएगा हमारे पास बी का कंसंट्रेशन हो जाएगा आर टी, ठीक है ना। इसे बोलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसे बोलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये सारी वैल्यू इस वाली क्वेश्चन में रख दो, ठीक है। तो हमारे पास कितना जाएगा के पी इक्वल हो जाएगा पी सी की जगह वो सी सी आर टी और इसकी फुल पावर स्मॉल सी, तो स्मॉल सी कर दिया, ऐसे डी आर टी और इसकी होल पावर है स्मॉल टी, तो स्मॉल टी अपॉन हो जाएगा ए आर टी और ये जो है इसकी पावर है स्मॉल है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ऐसे बी आर टी और इसकी स्मॉल बी पावर है, तो वो कर दी। अब देखो होल पावर तो सी की पावर भी सी होगी, आर टी की पावर भी सी होगी, तो मैं इसे डायरेक्ट कर रही हूँ के पी इक्वल, हम इसे एक साथ लिख देता है, सी की पावर सी आर टी पावर सी आएगी, तो हमने सी और डी को एक साथ लिख दिया, सी की पावर सी और यहाँ से डी की पावर आएगी डी, और जो आर टी की पावर सी आएगी जैसे आर टी की पावर डी आई, तो बी एस सी में पावर एड होगी आर टी की पावर सी प्लस डी अपॉन ए टू दी पावर ए, ऐसे बी को लिख दिया इसके साथ, क्योंकि यहाँ से फॉर्मूला बनने वाला है ना, बी आर टी की पावर ए और यहाँ इंटू आर टी की पावर बी, बी एस सी पावर एड मतलब आर टी की पावर ए प्लस बी, ये हो गया। ये वाली चीज हमारे पास किसके बराबर है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसके जगह केसी लिख सकते हैं, तो ये जगह हमारे पास केसी केपी इक्वल इसके जगह केसी लिख दिया, तो जगह केसी और इंटू आर टू दी पावर आर टी की पावर सी प्लस डी है और अपॉन में आर टी की पावर ए प्लस बी है, ठीक है। तो ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा, पावर सब्ट्रैक्ट होती थी, जगह सी प्लस डी माइनस हो जाएगा ए प्लस बी, ये माइनस हो गया। अब सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, मतलब प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स, ठीक है। इसे हम लिख देते हैं शॉर्ट में डेल्टा एन, तो जो केसी आरटी की पावर डेल्टा एन जी, ठीक है। अब एक केस और बनता है, अगर हमारे पास कोई रिएक्शन ऐसी, वैसे तो ये आगे रिलेशन ठीक है, लेकिन अगर कोई रिएक्शन ऐसी है जिसमें रिएक्टेंट के साइड भी उतने ही मोल्स है और प्रोडक्ट के साइड भी उतने ही मोल्स है, तो वहां पर क्या होने वाला है, डेल्टा एन जी की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी। अगर मतलब सी प्लस डी की जो वैल्यू जैसे यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, टू माइनस टू करेगा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास इफ नंबर ऑफ मोल्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड आर सेम, देन क्या हुआ हमारे पास, डेल्टा एन जी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो रखो यहाँ पर के पी इक्वल कितना हो जाएगा हमारे पास, के सी आर टू टी की पावर जीरो और किसी में पावर जीरो मतलब पर, तो ये जगह हमारे पास के पी इक्वल हो जाएगा के सी, मतलब जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, तो उस केस में के पी इक्वल के सी आ जाता है। इसके बाद है इसकी कैरेक्टरिस्टिक, क्या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसे हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे।